मुझे कॉल आई है इंस्पेक्टर की, उन्होंने जब मुझे बताया कि ये इस तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उन्हें जब आईडी कार्ड उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ जी ये मेरे वालिद साहब ही है, मेरा भाई छोटा था, बहुत छोटा था। मैंने अपने भाई को कहा एहसान अब्बू नहीं रहे हैं। दिल में बेचैनी सी लगी हुई थी कि हमारे अब्बू सेफ हैं। 12:01 बजे के करीब फोन आया आप ही को, तो तब पता चला कि अब्बू नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे ही कहीं ना कहीं गए रहते थे, और अभी भी दिल को यही रहता है कि शायद कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे। बिलावल साहब के नोटिस में था कि आप मोहम्मद शफीक गोगा की बेटी हैं। जब ट्रक पे एक है हमारे जानने वाले ही, उन्होंने कहा कि गोगा शहीद की बेटी आपका इंटरव्यू करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि फौरन इसको बुलाओ। दिसंबर पाकिस्तान के लिए नहायत दुख और रंजो अलम का महीना है, जिसमें सकूते ढाका, सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल और बेनजीर भुट्टो की शहादत जैसे दिलखराश वाकयात पेश आए। जिंदा कौमें अपने अजीम लीडरों को हमेशा याद रखती हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम को हमसे बिछड़े 15 साल बीत चुके हैं। दीगर चली ते शामा पईयां, सब लोग घरानू आए, ओ नहीं आए बर्त मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी, आज आपकी मुलाकात मोहम्मद शफीक गोगा की फैमिली से करवा रहे हैं, कि जिन्होंने बेनजीर के पर्सनल गार्ड की जिम्मेदारी अदा करते हुए बीबी के साथ ही जाम में शहादत नोश किया। चलिए मेरे साथ। हम वारिस हैं शहीदों के, सर देकर सरदार बने। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक गोगा शहीद की फैमिली। 15 साल बीत चुके इस सानहे को, मगर जब भी याद आता है इस फैमिली की आंखें नम हो जाती हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत ऐसा सानहा जो रहती जिंदगी तक सबको सताता भी रहेगा और उनका दिल दुखाता भी रहेगा। सबसे पहले मोहम्मद शफीक गोगा की अहलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। 15 साल गुजर गए, कभी भुले ने हो जड़े शहीद हो गए ने? नहीं बेटा जी, किथे भुलदे आ। ज़ाहरा हुण तां शुक्र अलहमदुलिल्लाह बच्चे जवान आ, वक्त बहुत औखा गुजरिया, हुण तां मैं जिन्ना भी अल्लाह दा शुक्र अदा करां थोड़ा। गोगा साहब ने शुरू तो ही बीबी दे नाल ही, बेशक मेरे शादी तो पहले दा ही इस पार्टी दे नाल उन्हें बहुत लगन सीगा, ते ओ परी जवानी च शहीद हो गए बीबी दे नाल ही। दो वड्डे काम तुहाडे वास्ते, मैनूं पता भी नहीं लगा मेरे बच्चे पल गए, पर दुख हुंदा ज़ाहरा बच्चियां वा। मेरा तो चलो मियां सी जिन्हां दा बाप आ, उन्हां वास्ते जख्म जिहड़ा सारी जिंदगी नहीं भुलदा। पक्षी जिहड़ी आ दिन रात प्यो नूं याद करके रोंदी आ, 15 साल हो गए। बच्चियां दी बड़ी अटैचमेंट होंदी है, मां नाल भी होंदी है, मगर बाप ते बाप, बाप ते तियां दे नाल बहुत ज्यादा सी उहदी। मेरा वड्डा बेटा सी ना, ते ओह मेरा पुत्ता करदा सी, ओह सी जदों आना जलसे जलूस तों 2-3 महीनियां बाद आना, ते अपनियां तियां नूं नाल लै के उहने पैणा प्यार करना उहने। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲਸੇ 'ਚ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣਾ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਟੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਜਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? मैं तब थी कोई 18-19 साल की थी। आप माशाल्लाह होश में थी और समझ रही थी चीजों को, तो आपको जब फादर की खबर मिलती है शहादत की, तो बीबी की तो खबर पूरी दुनिया में चली ना, तो साथ ही पता चल गया कि पापा की भी डेथ हो गई। नहीं, आई थिंक मैं अपने पापा को कॉल करती रहती थी, मैं कॉल पे रहती थी, तो मेरा भाई आया भागा हुआ कि आप ही जल्दी से आओ। मैंने कहा क्या हुआ है?
कहता बीबी को ना ब्लास्ट हो गया है, बीबी को फायर लग गया है। मैं घर आती हूँ तो हम दोनों बहन भाई, फिर मुझे पता ही नहीं था कि वाकई ये वाकया, मैं तो कह रही थी सियालकोट जाना है अबू ने। और जब मैंने सुना तो तकरीबन 8 बजे का टाइम था, मुझे कॉल आई है इंस्पेक्टर की, आप कौन है? मैंने कहा मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। उन्होंने जब मुझे बताया कि ये इस तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उन्हें जब आईडी कार्ड उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कहा हाँ जी ये मेरे वालिद साहब ही है। मेरा भाई छोटा था, बहुत छोटा था। मैंने अपने भाई को कहा एहसान अबू नहीं रहे। दिल में बेचैनी सी लगी हुई थी कि हमारे अबू सेफ हैं, हमारे अबू सेफ हैं। जब पता चला रात को कि नहीं 12-1 बजे के करीब फोन आया आप ही को, तो तब पता चला कि अबू नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे ही कहीं ना कहीं गए रहते थे, और अभी भी दिल को यही रहता है कि शायद कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे। जब ये खबर मिलती है आपको तो यहाँ तो कोहराम मच गया होगा बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ तब तो मचा ही था, अभी भी यकीन नहीं होता कि पापा नहीं है। रात को पूरी रात नींद नहीं आई, पापा की याद ही आती रही, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। 3 भाई हैं ना, उन्होंने कभी कमी आने दी है, बस उनके सहारे हम लोग जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपका कितना नंबर आता है बहन भाइयों में? मेरा आता है 5वां। तो उस टाइम आप कितने साल की थी? इतनी होश नहीं थी। अच्छा। लेकिन इतना पता था कि अबू नहीं है। मैं तो उनकी लाडली बेटी थी, वो मुझे कहते थे कि मेरी लाडली है, मेरी लाडली थी, ये नो कुछ ना कहना। लीजिए जनाब, हमारे साथ मायरा हाशमी मौजूद हैं। आपके फादर ने बीबी की खातिर जान कुर्बान कर दी, अब आप जिंदा हैं तो बीबी की पार्टी के लिए ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। तब तो आप बहुत छोटी होंगी जब ये वाकया पेश आया। हाँ बिल्कुल, मैं 7 साल की थी जब मेरे अबू शहीद हुए, और एक बाप की कमी तो कहीं ना कहीं महसूस होती है, लेकिन बाप की शक्ल में ये मेरे 3 भाई है। मैंने लाइट ऑन की और देखा मेरे अबू लेटे हुए हैं, मैं अपने अबू के साथ जाके लेट गई। अच्छा। और अबू ने बकायदा हम सब बहनों को पैसे दिए कि ये तुम्हारे, वो हमेशा देते थे, तो वो दिन गया, वो दोबारा नहीं आया। मुझे फखर महसूस होता है जब मुझे कोई शहीद की बेटी कहता है। बिलावल भुट्टो के साथ जब वो लॉन्ग मार्च पे आप रिपोर्टिंग कर रही थी, तो एक खास वीडियो जो वायरल हुई जिसमें वो बिलावल भुट्टो आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं, वो क्या बातें हो रही थी आपकी आपस में? वो फैमिली के हवाले से ही बातें हो रही थी, अम्मी के बारे में बता रही थी। हमारा बिलावल साहब के नोटिस में था कि आप मोहम्मद शफीक गोगा की बेटी हैं ऑलरेडी, कि उस टाइम बताया आपने? जब ट्रक पे एक है हमारे जानने वाले ही, उन्होंने कहा कि गोगा शहीद की बेटी आपका इंटरव्यू करना चाहती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फौरन उसको बुलाओ। तो जनाब मोहम्मद शफीक गोगा शहीद के भाई मोहम्मद रफी साहब हमारे साथ मौजूद है। गोगा साहब जड़े ने बीबी दे बिल्कुल क्लोज गार्ड ड्यूटी करते सन कि थोड़ा दूर? बहुत ज्यादा करीब से, उनको कोई इसी चीज का लालच नहीं होता था। अच्छा। एंड मैंने एमपीए को भी वो कुछ नहीं जानता था, उस वक्त भी कोई उसको पैसे का लालच नहीं होता था। ये मेरी भाभी है, इकट्ठे रहते थे, वो उसने आना जब तो रोटी पकनी जहाँ से भी चूल्हे से मेरे घर से, उन्होंने मेरे घर वाली से लेके रोटी खा लेनी है, तो इकट्ठे ही हम रहते थे, तो सब कुछ इकट्ठे ही प्रोग्राम होता था। तो अब आप भी पीपल्स पार्टी से पूरी मोहब्बत अदा कर रहे हैं या पीछे हट गए हैं? नहीं सर, पीछे तो मैं नहीं ना हट सकता, आखिर मेरे भाई का खून रहता हुआ है, तो उसके लिए तो मैं हर तरह की, जिस वक्त इलेक्शन जलसे आते हैं तो उसमें मैं हर जगह पहुंचता हूं जब मेरे पास टाइम हो। वैसे तो मैं मुलाजमत करता हूं प्राइवेट, तो जब मुझे टाइम मिलना तो उस इतवार का दिन कहीं भी हो, जहां मर्जी हो, मैं पहुंचता हूं जलसे जुलूसों में।